नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पंजाब में जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह मौजूद रहे। इन 10 मंत्रियों में से 5 मालवा, 4 मांझा और 1 दुआबा से हैं। इसके साथ ही एक महिला को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद भगवंत मान सिंह ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में अकेले ही शपथ ग्रहण किया था। भगवंत मान ने होली की शाम खुद ट्वीट करके अपने मंत्रियों के नाम का ऐलान किया था। पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्री मंडल में हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। भगवंत मान की कैबिनेट में दलित, महिला, हिंदू समुदाय के विधायकों को भी जगह मिली है। कैबिनेट गठन में मांझा और मालवा क्षेत्र का दबदबा भी साफ झलक रहा है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला, लालचंद कटारू चक, गुरमीत सिंह मीथेयर, हरजोत सिंह बैंस, लालजीत भुल्लर, ब्रह्मा शंकर जिम्मा और कुलदीप सिंह धारीवाल नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनकी मंत्री बनने की काफी चर्चा थी, हालांकि इन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। जिन नामों की ज्यादा चर्चा थी उनमें से तलवंडी सबो से लगातार दूसरी बार विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर, सुनाम से लगातार दूसरी बार विधायक अमन अरोड़ा, जसराव से लगातार दूसरी बार विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष रह चुकी सर्वजीत कौन मणुके शामिल हैं। इसके अलावा नरिंदर कौर भड़ाव, कुंवर विजय प्रताप, जीवन ज्योत कौर, गुरमीत सिंह खटिया और डॉक्टर चरणजीत सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। पंजाब चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकट कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भगवंत मान ने अब अपने मंत्रिमंडल का भी गठन कर लिया है। भगवंत मान की कैबिनेट का गठन 19 मार्च को राजभवन में हुआ। राज्यपाल ने इन सभी 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।